हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ पे भी होंगे सेफ होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग से चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप एक इंडियन BTS आर्मी है तो आप सबके माइंड में कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि BTS को हम इतना ज़्यादा स्ट्रीम करते हैं, उनको पसंद करते हैं, एंड उसके साथ साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि BTS ने इंडिया के लिए कोई ऐड किया हो एंड उसे इंडियन चैनल्स पर उसे शो किया गया हो, ऐसा कुछ कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड हुआ है तो यानी कि इंडियन किसी भी एडवर्टाइजमेंट में BTS दिखे हैं, तो वो कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट थे जिसमें BTS दिखे थे हमें। सो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप कि आप एंड तक डेफिनेटली बने रहेंगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये बात है कुछ ही टाइम पहले की, जब BTS ने अपने इंटरव्यू में सैमसंग को बधाई दी हुई थी उसके सालगिरह पर, एंड उसके साथ साथ उन्होंने नमस्ते BTS भी बोला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ओ गॉड, आप कहाँ पे रहते हो, मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ था एंड आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो गए तो डेफिनेटली आपने उस वीडियो को भी देखा होगा। बोला था नमस्ते BTS एंड फिर सैमसंग इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था उसमें। उसके साथ साथ जब उनका BTS बटर सॉन्ग आया था, यानी कि उन्होंने जब BTS उनका बटर सॉन्ग रिलीज हुआ था, उसका काफ़ी ज़्यादा बूम इंडिया में देखने को मिला था एंड इंडियन BTS आर्मी काफ़ी ज़्यादा उसे उनको बटर सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसी के साथ जब अमूल ने उनके साथ कोलैबोरेशन किया तो BTS झट से मान गए एंड उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने इंडियन BTS आर्मी के लिए तुरंत के तुरंत उसमें हामी भर दिया। एंड आपने अगर देखा होगा तो अमूल के पैकेट में भी 7 स्टार हमें देखने को मिले थे क्यूट फॉर्म में, जिसके साथ एक क्यूट सी लड़की भी थी, उसका नाम था बीट्स अदर बटर्स, अमूल के पॉप इट ऑन इनटू ब्रेड। एंड उसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो मैकडोनाल्ड के इंडियन एडवर्टाइजमेंट में भी BTS दिखे थे, यानी कि वो फिजिकली नहीं आए थे बट उन्होंने इस चीज़ का प्रमोशन किया था बहुत अच्छे से। TV में भी टेलीकास्ट हुई थी। जितने भी सारे मैंने एडवर्टाइजमेंट बताए हैं कि आपने उसे TV पर देखा है या नहीं देखा है, आपसे मिस हो गया, वो सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताना। उसके साथ साथ काफ़ी टाइम तक, जैसे कि आपको पता ही होना चाहिए कि स्पॉटिफाई का ह्यूज मार्केट शेयर है इंडिया में एंड इंडिया का काफ़ी हद तक इंडियंस काफ़ी हद तक स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम करते हैं, चाहे वो BTS के सॉन्ग हो, चाहे इंटरनेशनल सॉन्ग हो या फिर बॉलीवुड के ही सॉन्ग क्यों ना हो। उसके लिए भी BTS के ही सॉन्ग को चुना गया था जिसपे बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने उनके बीट्स पर सॉन्ग पर डांस किया था। एक चीज़ तो पता चल ही गया होगा आपको कि BTS इंडियन एडवर्टाइजमेंट में दिखते हैं एंड इंडियन न्यूज़ में भी वो दिख ही जाते हैं। इसे आपको एक चीज़ तो पता चल ही गया होगा कि BTS इंडिया से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड टाइम टाइम पर वो इंटरव्यू भी देते हैं एंड जब भी कभी इंडिया से स्ट्रीम सबसे ज़्यादा उनके सॉन्ग को किए जाते हैं तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच BTS इंडियन आर्मी भी बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। एंड आप मुझसे बोलेंगे कि दीदू इतने सारे एड्स हैं तो क्या अब हम इसे TV पर देख सकते हैं। सो देखो, ऐसा होता है कि जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है आइडल के साथ या किसी सेलिब्रिटी के साथ कि आपको इतने टाइम तक इस एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाएगा, लाइक 1 साल 2 साल 6 महीने, और उसके लिए आप पे किया जाएगा। तो उतना पे करने के बाद उसका टाइम होता है, उसके ड्यूरेशन जितना भी दिया जाता है उतने ही टाइम तक एडवर्टाइजमेंट चलता है। यानी कि अगर आप देखेंगे मैकडोनल्ड, अमूल और होंडा, सैमसंग, इस पे सब में देखेंगे तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट फिर से स्टार्ट होगा BTS के साथ करेंगे तो फिर से वो सारी चीज़ें TV पर आने लगेंगी एंड BTS हमें इंडियन एडवर्टाइजमेंट में फिर से दिखने लगेंगे।